वीडियो में आ रहा है। हाँ सींग देखो कितने बड़े हैं। एक काम कर तू ना परमानेंट मेड लेके आ जैसे मैं लेके आता हूँ। ये इको स्पोर्ट खड़ी हुई है, ये भी डेड हो गई है। सोनेट खड़ी हुई है, वो भी डेड हो गई है। हेक्टर खड़ी है, वो भी डेड हो गया है। क्या बात है। सो गाइस फाइनली डांस वगैरह करने के बाद हम लोग जो हैं फ्री हुए थे, और तौसीफ भाई जो आपको सुबह इंट्रोडक्शन करवाई थी ये, और पीछे भाई बैठे हैं हमारे दो, तो हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल की साइड। जंगल की साइड हम देखने जा रहे हैं कुछ अगर टाइगर वगैरह मिलता है या नहीं। और रात के बज रहे हैं एक, और मतलब होपफुली मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और फुल पावर मतलब पूरे एडवेंचरस मोड में है कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये देख लो यार, मतलब इनका एफर्ट कि दिन में नहीं दिखा, इन्होंने सोचा कि रात को एक ट्राई मार लेते हैं, और तभी हम लोगों को लेकर आए हैं। और बाकी सब लोगों को इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि वो सब लोग थक चुके हैं, और कार निकालना जाना तो सबके लिए थोड़ा रिस्की भी था, डर भी लगता ही है रात को इस टाइम, तो इसलिए इन्होंने हम दोनों को चूज़ किया। और हम भी बड़ा मतलब एक्साइटेड थे कि टाइगर वगैरह दिख जाए, एक लाइव इनकाउंटर नॉट इनकाउंटर एटलीस्ट देख तो लेंगे भाई क्या सीन है इधर। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो वही उसी की कोशिश में निकले हुए हैं। क्या होता है बिल्कुल। और हमने अपनी टॉर्च ली हुई है। गाइज ये देखो, अब प्रॉपर आपको एक व्यू आएगा। ये देखो मेल भी है और फीमेल भी है, और बच्चे भी हैं इनके ना साथ में। हाँ सबसे क्लोज दिख रहे हैं, और चार हैं ये अभी तो। और साइज देखो कितना बड़ा है, पता नहीं वीडियो में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये देखो वीडियो में आ रहा है, हाँ सींग देखो कितने बड़े हैं। तो भाई सीन जो है अभी पूरा सेट हो रखा है, अभी वो जंगल की साइड जा रहे हैं। ये वो अब तो बहुत दूर चले गए हैं, दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो पे, तो बहुत ही भाई अलग ही सीन है, एक नंबर। देखते हैं, हो सकता है इन्होंने लास्ट टाइम जब ये साइड आए थे तो 50 मीटर पहले इन्होंने टाइगर को स्पॉट किया था, और हो सकता है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनके शिकार के चक्कर में वो आ जाए तो एक अलग बात है, लाइव इनकाउंटर हो जाएगा भाई, मतलब पूरी फील आ जाएगी। चले अब आगे चले भाई, आपने बहुत रेयर साइटिंग करी है लिटरली। अच्छा जी, बहुत रेयर यार, वीडियो मैंने बड़ी लेट स्टार्ट करी। इसको फिशिंग कैट बोलते हैं। अच्छा छुप गई है पीछे क्योंकि वहीं पे कहीं पे आ रही करीब और कहीं टॉर्च वाली साइड से लोग भाग गए। और उसकी आईज भी थोड़ी सी ग्रीन से डिफरेंट थी, तो मतलब फिशिंग कैट क्यों बोलते हैं उसको? वो मोस्टली पॉन्ड्स वगैरह के करीब में रहती है, फिश खाती है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगता नहीं है इस पेड़ के पीछे है, वो चली हम पे तो नहीं अटैक करेगी। मैंने विंडोज छोटी सी बच्ची है, उधर ही उधर पेड़ के पास बारी है, वरना वो भाग जाएगी पेड़ के पास से। सो गाइस देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पे स्पॉटेड डियर फिर से हमें दिख गए हैं बिल्कुल रोड के साइड पे, 5 से 6 हैं करीब, काफी ये खड़े थे। और ये देखो ये जा रहे हैं, जाने शुरू हो गए लाइट देखकर अंदर। सो फाइनली गाइस कार में आ चुका हूँ मैं, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं रात के, और टाइगर तो नहीं मिला बट इतना ज़्यादा मज़ा आया, और इतना लाइक डेंस फॉरेस्ट था तो फुल पावर मज़ा आ गया। अलग अलग हिरन दिखे, 12 सिंगा दिखा, और एक फिशिंग कैट होती है ब्लैक कलर की वो दिखी, बट उसको कैप्चर नहीं कर पाया मैं क्योंकि इतने में मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया वो भाग चुकी थी। तो बट इट वाज क्रेजी, और चलो फिर कभी आएंगे टाइगर भी स्पॉट करेंगे। और बाकी सब लोग सो चुके हैं, हम 2 ही लोग गए थे कैंप से, बाकी तो जैसे ही हम लोग पहुंचे सब सो चुके थे। बाकी कल देखते हैं क्या सीन है, घर जाना है या फिर यहीं से कंटिन्यू करना है। तो अभी मैं सोने लगा हूँ,
सो गाइज ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग बस अब निकलने लगे हैं और ये पाजी ने मुझे अपना फीडबैक फॉर्म दिया था तो इसको फिल करके भी देना है कि जो इनका ग्रुप कैंपिंग का मीटअप था वो कैसा रहा और सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं विल यू जॉइन अस अगेन लर्न न्यू थिंग्स अबाउट कैंपिंग एंड ओवरलैंडिंग सो फीडबैक फॉर्म फिल करके देंगे मुझे तो बहुत मज़ा आया और मतलब काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी एक्सपीरियंस मिला ग्रुप कैंपिंग से क्योंकि अलग अलग लोग आए हुए थे और सबके पास अलग अलग कार्स थी और उनके जो सेटअप्स थे वो सबके डिफरेंट थे तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ था काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अब हम लोग निकलने लगे हैं एक सेकंड बुला रहा है यार कोई मुझे सो गाइज इधर थोड़ा सीन हो गया हम लोग अभी निकलने लगे थे बट भाई जो हमारे साथ कैंपिंग कर रहे थे उनकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गया और मैं अपनी कार की बैटरी से वो चार्ज करने का ट्राई करूँगा कि क्या सीन है चार्ज होती है नहीं होती और लेट्स सी आई होप कि हो जाए और इधर देख रहे हैं अभी क्या करना है लेट्स सी गाइस अपडेट एक और सीन है ये इको स्पोर्ट खड़ी हुई है ये भी डेड हो गई है सोनेट खड़ी हुई है वो भी डेड हो गई है हेक्टर खड़ी है वो भी डेड हो गई है और अभी तो फिलहाल तीन गाड़ियां हैं और मेरी कार से ये चार्ज करने वाले हैं और अब मैं पहले वो खोल रहे हैं उसको अभी मैं जाता हूँ सोनेट को देखते हैं चार्ज करेंगे और फिर इसके बाद दोबारा इको स्पोर्ट की तरफ आएंगे सो एक कार तो स्टार्ट कर दी हम लोगों ने और ये देखो अंकल लगे हुए हैं और ये देसी जुगाड़ किया हुआ है इन्होंने ना खुद ही बनाई हुई है जंपर केबल्स और ये स्टार्ट हो चुकी है और खुशी देखे इनके चेहरों पे कितनी ज्यादा ये इन्हीं मैम की कार है वो पाजी कहाँ गए अब चलते हैं इको स्पोर्ट की साइड इको स्पोर्ट को स्टार्ट करते हैं इको स्पोर्ट को ट्राई कर रहे हैं यार हम लोग ऊपर वाले नहीं करेंगे ना अब तो ठीक है लग गया वाइपर वाइपर बंद करो जी वाइपर बंद कर देना एसी बंद कर दो हां जी गाड़ी स्टार्ट कर भाई इधर नहीं तो गाड़ी स्टार्ट कर रही पड़ी मुझे और ये कार भी स्टार्ट हो चुकी है होपफुली और ये अंकल जी देखो एक्सपीरियंस काम आता है और देसी जुगाड़ भाई सॉलिड वायर्स रखी हुई हैं अंकल ने और दो कार्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और थैंक्स टू मी भाई लोगों से भी लूंगा अभी मैं थैंक्स भाई को थैंक्स इनकी गाड़ी दो तीन गाड़ी हमारे ठीक है और अभी एमजी हेक्टर का देखते हैं भाई क्या सीन है सो गाइस अभी आए हैं हेक्टर में एमजी हेक्टर और इस कार में सीन ये है लिखा रहा है एबीएस लॉक और बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि सेंसर्स वगैरह इतने ज़्यादा हैं कार में तो अभी वही सब लोग देख रहे हैं कि कैसे स्टार्ट होगी और आई होप कि जल्दी स्टार्ट हो जाए सबको जाना है एक बार धक्के से देखें कुछ बात वाले बैक गियर में देखें एमजी हेक्टर को हम लोग अब पावर करने वाले हैं देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं और कर दे थोड़ी और आगे कर दे भाई तो दोबारा से एलिगेटर क्लैंप लगा के हम लोगों ने ऊपर वाले का नाम लेकर स्टार्ट करने लगे हैं क्या बात है कह रहे थे कि जो है ये खुश हो भैया सेल्फ की दिक्कत खुश हो मैम ठीक है भाई इसकी भी बैटरी डाउन हो रखी थी और ये गाड़ी भी फुल चार्ज हो चुकी है अब और थैंक्स टू अंकल जी और माई सफारी और एट द लास्ट हमारी टाटा सफारी काम आई अपना इंडियन ब्रांड क्या कहना चाहोगे पाजी ब्रांड काम आया लेकिन भाई साहब इंडियन बंदे जो पुराने बंदे ये ही तो बोल रहे हो थैंक्स टू सबसे पहले इनका रोल है बिल्कुल बिल्कुल मेरा है ये देखो अंकल के चेहरे पे खुशी ये देखो भाई कार स्टार्ट हो चुकी है तीनों और हम लोग अब बस निकलने लगे हैं पहले चाय कॉफी पी लेते हैं क्यों सॉफी भाई देखो द बीस्ट क्या कहोगे भाई टाटा सफारी या फिर एमजी हेक्टर या फिर किया या फिर फोर्ड देख रहे हो
क्या बात है, कितना प्राउड फील हो रहा है आज मुझे। नहीं, हर एक टाटा ऑनर को प्राउड फील हो रहा होगा और इवन टाटा मोटर्स को भी प्राउड फील हो रहा होगा कि आज इसने 3 कार स्टार्ट की हैं। और ग्रेट यार, मतलब मजा आ गया, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। और अभी कुछ खा पी के हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। भाई देख, तू कह रहा है कि मैं मेड साथ ले आऊंगा, आप मेरा चूल्हा चोरी कर लोगे तो बिल्कुल, या खाना नहीं दोगे बना के। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई देख, ऐसा नहीं है, एक काम कर, तू ना परमानेंट मेड लेके आ, जैसे मैं लेके आता हूँ। ये देखो हमारे साथ दो कपल बैठे हुए हैं, एक ये है, ये फनी वीडियोस बनाते हैं, और ये बेचारे डिसेंट से, हम शरीफ से। भाई मेरे बच्चे बनाते हैं ना, वंश बनाता अच्छा। है जितने भी। तो गाइस, इन दोनों का मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और आप लोगों को भी सब्सक्राइब करना है, मेंशन कर दूंगा आदि वंश व्लॉग्स। और ये है ओके, तो मैं एक लिंक भी मेंशन कर दूंगा। और ये मैडम तो आपको पता ही है, ये देखो सिमरन जी, और गाइज अच्छी बात पता क्या है, ये लोग मुझे मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है ना वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इनका जो लिंक है वो मेंशन करूंगा अपने ब्लॉग में। वो ऐसे जंगलों में करना जो फ्री हो। उसको ऐसे लेना है कि वो स्पॉन्सर्ड है, हम उसके लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके आपको को मतलब। और ये पाजी इको स्पोर्ट वाले, अपने चैनल का नाम बताओ। एस छाबड़ा, इनका भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। और ये भी पाजी इनके साथ थे, ये तो मैंने कल आपको दिखाया था, हम एडवेंचर कर रहे थे। मैम अपने चैनल का नाम बता देना, एक्सप्लोर द लैंडस्केप, और अपने चैनल का नाम बता दो, मास्टर प्लेसेस। अंकल जी, अंकल का चैनल नहीं है, बट मैं इनको मोटिवेट कर रहा था कि एक चैनल बना लो, क्योंकि अंकल अलग लेवल के बंदे हैं और फुल पावर फन कर रहे हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है अंकल ने। मेरे पास भी है जंपर केबल, अंकल ले आए थे पहले। नहीं, जुगाड़ सब चीज ये होनी चाहिए, चीजें देखो कैंपिंग में आके। मैंने जंपर केबल रखी हुई है, नहीं मैंने एक बैटरी, एक बैटरी और एक कैमरा की मदद से देखे नहीं, मैंने देख लिया कितना मैं इज्जत करता हूं। सो गाइज, अब हम लोग निकलने लगे हैं और हम जा रहे हैं चंपावत, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। और इस कैंपिंग साइट की भी मैं जो लोकेशन है वो मेंशन कर दूंगा। और तौसीफ भाई उधर पीछे बैठे हुए हैं और इनकी पूरी गैंग बैठी हुई है, तो एक नंबर फुल पावर मजा आया। और लेट्स सी क्या सीन है आगे का। सो गाइज, चंपावत रह गया 10 किलोमीटर्स और हम चले हुए हैं तब से, और टायर्ड हो चुके हैं। वो सामने पाजी की कार, इंडिकेटर दे दिया है इन्होंने, और पूरा ही क्या है ये जंगल वाला सीन लग रहा है, मगर यहाँ पे कोई है नहीं भाई। यहाँ कैंपिंग करने वाले हैं क्या हम? ओहो भाई, लग तो सॉलिड रहा है सीन। और ये चेक करो आप, यहाँ से दिन में क्या व्यू आएगा, मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ। और जानवर ना जाए। ओहो, तो मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाता हूँ यार। सो गाइस, ये कुछ व्यू आ रहा है अभी, ये तो पूरा डार्क है, पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। मे भी यही चंपावत है, पाजी से पूछता हूँ अभी क्या है। Don't be a stranger in the night. So guys, सेटअप लगाने लगे हैं हम लोग, और आज 3 ही कार्स हैं। सेंटर में मेरी है, वो MG Hector और वो फॉर्चुनर। सिमरन मैम बीच में आ गए, और उधर सीन चेक करो आप, फुल मून हो रखा है और एक नंबर लग रहा है भाई, क्लाउड्स भी हैं उसके आसपास। और रात को मैं कैप्चर करने वाला हूँ ये कुछ स्टार्स, ये देखो थोड़ा सा ग्रेनी हो गया। और वहाँ पे है चंपावत सिटी,
कैसी लग रही है? मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी जगह ये है। ये इधर कुकिंग चल रही है और आज ये हम सब के लिए कुकिंग कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? देख लो भाई, ये पुलाव बनाए बट थोड़ा सा पानी ज्यादा पड़ गया। अच्छा, वेज पुलाव। पानी ज्यादा पड़ गया मेरे को एक्चुअली पता लगा ना, अभी भी पता लगा। कह सकते हो कल ले लेंगे। कल ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेरे को पता लगा अभी कि मेरी वाइफ में ऑक्सीजन की कमी है, मैंने पानी डाल दिया। ओहो, कुछ सीरियस तो नहीं है। उस दिन तो तुम्हें पता नहीं था, जब तुमने बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, उस दिन पानी को ज्यादा डाला था। ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, देखो जल्दबाजी। सो फाइनली डिनर रेडी हो चुका है और हम सब खाने लगे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा लाइट म्यूजिक लगाता हूँ, माहौल बन जाएगा और वीडियो को करते हैं अभी बंद, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और सीन आप देख ही सकते हो भाई, एक नंबर हो रखा है। वो सामने चंपावत सिटी का व्यू अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैं आपको ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता सीरियसली। मतलब हम लोग यहाँ पे हैं और हम ही इस वाइब को फील कर सकते हैं कि क्या ही होगा। और टेम्परेचर हो रखा है इस टाइम 4 degrees एंड फील्स लाइक 1, तो बहुत ठंड हो रखी है। और बाकी शरीर गर्म कर रहे हैं, कल देखते हैं क्या करना है। अच्छा, शरीर गर्म कर रहे हो आप, निंजा टेक्निक, ठीक है। ये देखो, इस टॉर्च का यही फायदा है कि इसमें एक टेबल टॉप लाइट बन जाती है और ये फ्रंट फोकस लाइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज का, मुझे लगता है आज का भी ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा और 3 दिन से मैं बाहर हूँ और आई डोंट नो कि कितना लंबा चलने वाला है। ये मेरा कैंपिंग का, जो मेरी सेकंड कैंपिंग का सीज़न है और लेट्स सी। और अब तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है, जैसे जैसे मतलब डेज इंक्रीज़ होते जा रहे हैं भाई, एक नंबर, मतलब सीन सेट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।